हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 22 दिसंबर 2018 की डेली प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ और देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड 2017 के बारे में। देखो, प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड 2017 की भी डाटा लिस्ट है वो रिलीज की गई है, तो किस किस को अवार्ड दिया गया वो तो हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें थोड़ा प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए। देखो, बेसिकली प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड हैं वो इसलिए चलाए गए थे ताकि हमारे देश में जो लेबर है जो कि पीएसयू वगैरह में काम करती है उसको एक तरीके से प्रमोट किया जा सके, वो अपने आप में रिसर्च कर सके। इन सब के डाटा की मतलब प्रोत्साहन के लिए बेसिकली अवार्ड है वो स्टार्ट किए गए थे। तो ये हमें ध्यान में बेसिकली रखना है कि वो किस लिए आए हैं, मतलब जो भी वर्कर्स हैं उनका आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन है, प्रोडक्टिविटी हो या फिर एग्जीब्यूशन के मामले में, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको कवरेज करने के लिए बेसिकली ये अवार्ड हैं वो स्टार्ट किए गए हैं। तो यह ध्यान में रखना है कि उनकी जो भी कैपेसिटी है, अभिनव क्षमता है, उनको डेवलप करना, उनके प्रदर्शनी है उसको बाहर निकालना, उन सब के लिए अवार्ड स्टार्ट किए गए हैं। अब हम देखते हैं इस अवार्ड्स के बारे में। देखो, ये अवार्ड हैं वो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट मतलब मिनिस्ट्री सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर प्राइवेट सेंट्रल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई पीएसयू हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो। ये ध्यान रखना, केवल गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज को नहीं दिया जाता है, चाहे स्टेट की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, वो कंपनी जिसमें 500 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं उसमें बेसिकली प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड को बेसिकली प्रोवाइड करवाया जाता है। और इस साल इस चार तरह के इसमें अवार्ड होते हैं प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड में। पहला तो है श्रम रत्न अवार्ड, दूसरा है श्रम भूषण अवार्ड, तीसरा है श्रम वीर या फिर श्रम वीरांगना अवार्ड, चौथा अवार्ड है श्रम श्री या फिर श्रम देवी अवार्ड। अब देखो उनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। जो श्रम रत्न अवार्ड है वो इस बार किसी को भी नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई प्रतिष्ठित जो भी कोई किसे आप बोल सकते हो कि कोई लिस्ट है वो आई नहीं थी। जो श्रम रत्न अवार्ड है इसमें बेसिकली क्या होता है, ये किसी को दिया नहीं गया, इसमें 2 लाख रुपये और एक सनद है वो दी जाती है, मतलब एक तरीके से प्रमाण पत्र है, वो सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। और जो यहाँ पे श्रम भूषण अवार्ड है इसमें 1 लाख रुपये कैश और इसके साथ ही एक सनद या आप बोल सकते हो कि एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और श्रम वीर या फिर श्रम वीरांगना जो अवार्ड है इसमें 60,000 रुपये प्लस सनद है वो दी जाती है। और श्रम श्री या फिर श्रम देवी जो अवार्ड है उसमें 40,000 रुपये तार इसके साथ सनद, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कोई प्रमाण पत्र है वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये चार तरह के श्रम अवार्ड हैं जो ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं। इनका मेन मोटिव ये होता है कि हमारे देश के अंदर जो पीएसयूज होती हैं गवर्नमेंट की ओर से प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं उनके अंदर जो वर्कर्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके, वो अपने उनका भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन हो, मतलब उन्होंने कुछ हटके काम किया है, लीक से हटके कुछ एक्स्ट्रा एडवांस काम किया है, उनके लिए बेसिकली इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 है वो अभी लोकसभा से पास हो गया है और राज्यसभा में भेजा गया है। तो देखो ये बिल इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए है, एक देखो जो भी बिल होता है ना इसके डाटा को हम कहीं ना कहीं एक तो फोल्डर मटेरियल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, इससे के साथ अगर हम बिल के बारे में स्टडी करते हैं तो देखो हमें थोड़ा एक हम बोनस पॉइंट ये होता है कि जैसे मान लो कि एग्जाम में हमें कोई सजेशन मांगे गए हैं तो हम वहाँ सजेशंस में उन बिल के पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं कि हमें इस तरीके के चेंजेस हैं वो करने हैं अगर वो चेंजेस अप्लाई नहीं हुए हैं तब तक। तो हम थोड़े देख लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल है क्या। देखो अभी हमारे देश में फिलहाल जो कंज्यूमर या बोल सकते हो उपभोक्ता को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट है वो है 1986, मतलब अभी तक हम 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल एक्ट के तहत काम है वो कर रहे हैं और इसी को रिप्लेस करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 है वो लाया गया था जो कि लोकसभा से पास हो गया है। अब हम सीधी सी बात करें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल है किस लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल कंज्यूमर के जो हित हैं, इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, मतलब कस्टमर को प्रोटेक्ट या कस्टमर को सुरक्षा देने के लिए, ताकि दुकानदार वगैरह है जो कंपनीज हैं वो कस्टमर को नुकसान नहीं पहुंचा सकें, इसके लिए बेसिकली ये प्रोटेक्शन बिल है वो लाया जा रहा है। इसके देखो बिल के फीचर्स देखते हैं, जो की पॉइंट है वो काफ़ी अहम है। इसमें देखो ये प्रावधान किया गया है कि 3 लेवल के कमीशन बनाए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट, सेंटर और यहाँ पे नेशनल लेवल का कमीशन बनाया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन्स हैं उनका काम बेसिकली होगा कि अगर 1 करोड़ रुपए का तक का कोई भी कंप्लेंट आती है कस्टमर के द्वारा तो उस कंप्लेंट को सोल्व किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन्स के द्वारा, और अगर जो कंप्लेंट का अमाउंट है वो है 1 करोड़ से 15 करोड़ रुपए के बीच में तो उसको स्टेट लेवल का जो कमीशन है इसके द्वारा सोल्व है उसका निपटारा किया जाएगा। और इसी के साथ ही जो नेशनल लेवल का कमीशन है वो बेसिकली 15 करोड़ रुपए से ऊपर का जो भी क्लेम है उसको सेटलमेंट है वो करेंगे। देखो पहले जो अमाउंट थी वो थी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वो थी 20 लाख रुपए तक, मतलब डिस्ट्रिक्ट जो कमीशन है वो केवल
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत 20 लाख रुपए तक का निपटारा कर सकते थे। बट आपको पता है कि आज के टाइम पे काफी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ चेंजेस हैं वो किए गए हैं। इसके साथ ही हम बात करें कि अगर फूल एडल्ट्रेशन होता है किसी कंपनी के द्वारा या फिर किसी ऑफिस या कोई भी होटल रेस्टोरेंट वगैरह के द्वारा, तो उसमें भी पनिशमेंट का प्रावधान है वो किया गया है, वो भी कौन सा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट यहाँ पे प्रावधान के तहत इंक्लूड की गई है। इसी के साथ ही देखो इसमें एक नया जो फीचर वो ऐड किया गया है कि जो भी कंज्यूमर जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स कंपनी होगी, ऑनलाइन शॉपिंग, अगर उनको नुकसान होता है तो वो भी यहाँ पे अपनी क्लेम रिक्वेस्ट है वो कर सकते हैं। क्योंकि देखो पहले आपको पता है कि 1986 उस टाइम पे थी, तो इस दौरान वहाँ पे काफ़ी दिक्कत है वो आती रहती थी, और इसीलिए ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह वो आज के टाइम पे प्रमोट हो रही हैं, तो इन सबसे निपटने के लिए हम इसका यूज वो कहीं ना कहीं कर सकते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर ई कॉमर्स कंपनी के कोई भी ऐसा, जैसे मान लो कि आपने फ़ोन मंगाया, कुछ भी मंगाया, अगर गलत प्रोडक्ट आ रहा है तो आप उसके रिगार्डिंग कंप्लेन कर सकते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, अगर ये 2018 पास हो जाता है तो। क्योंकि पहले इसके लिए कोई क्लियर प्रावधान नहीं था गवर्नमेंट के द्वारा, अब ये गवर्नमेंट प्रावधान कर रही है, मतलब ऑनलाइन जो भी फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं उनसे निपटने में भी हेल्प वो मिलेगी। इसी के साथ ही एक बॉडी है वो भी बनाई जाएगा, एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये जो CCPA है ये बेसिकली हमारे देश में जो कंज्यूमर के राइट हैं इनको प्रमोट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और इनको इन्फोर्स करेगी। मतलब कंज्यूमर को अगर से पता नहीं है तो उसको अलर्ट करेगी, बताएगी, इसके साथ ही कंज्यूमर का केस वगैरह उसको लड़ने में हेल्पफुल रहेगी, और अगर कोई भी कंज्यूमर को चीज़ें अवेयर करवानी है, इन्फोर्स करनी है, उनको भी इन्फोर्स है वो किया जाएगा। तो ये था हम कंप्लीट कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 के बारे में, फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है स्टार्टअप रैंकिंग 2018। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है DIPP, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इसके द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग 2018 पब्लिश की गई है, तो ये देख लेते हैं इस रैंकिंग में क्या किया गया है और इसका मेन मोटो क्या है। देखो स्टार्टअप रैंकिंग 2018 का मेन मोटो यही है कि जो भी स्टार्टअप्स हमारे देश में नए लग रहे हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनको गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं नहीं करवा रही स्टेट, इन सब के लिए बेसिकली फोकस किया जा रहा है। मतलब जो नए स्टार्टअप्स हैं उसके इको सिस्टम को प्रमोट करने के लिए बेसिकली ये लाया गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई है किसके लिए। इस रैंकिंग का देखो साफ साफ मोटिव ये रखा गया है कि स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी हैं वो बेसिकली स्टार्टअप के लिए एक इकोसिस्टम है, उसको डेवलप करें, उसको अच्छे से प्रमोट करें, ताकि नए से नए बिजनेस हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमारी रैंकिंग बढ़े और नए नए स्टार्टअप्स हैं वो इंडिया में अच्छे से काम कर सकें, एक हेल्थी कॉम्पिटिशन हो सके स्टेट के बीच में, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, इस सब को भी स्टार्टअप कल्चर के तहत प्रमोट यहाँ पे किया जाएगा। देखो एक ये फैक्ट ध्यान रखना छोटा सा कि स्टार्टअप रैंकिंग 2018 है, इसमें इंडिया के सारे स्टेट इंक्लूड नहीं है, 27 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी ने इस एक्सरसाइज में भाग है वो लिया है, तो ये थोड़ा फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी पूछ सकती है कि इंडिया के सभी स्टेट्स और यूटीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, नहीं, केवल 27 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज ने। इसके साथ ही देखो इसमें है क्या, आपको बता दूं कि जो वेरियस कैटेगरी के एक तरीके से क्राइटेरिया या पैमाने रखे गए हैं जिनके आधार पर बेसिकली रैंकिंग जारी की गई है। एक तो जैसे हम बात करें स्टार्टअप पॉलिसी लीडर्स कहते हैं, इसके साथ ही जो सीडिंग इनोवेशन कैसा है, स्केलिंग इनोवेशन कैसा है, रेगुलेटरी कैसी है, वहाँ पे कंप्लेंट के लिए कैसे सॉल्यूशन किया जा रहा है, प्रोक्योरमेंट सर्विस किस तरीके की है, कम्युनिकेशन सर्विस है या नहीं है, और गवर्नमेंट कितना सपोर्ट वहाँ पे प्रोवाइड करवा रही है, इन सब के आधार पर बेसिकली ये रैंकिंग है वो जारी की जाती है। अभी इस रैंकिंग के हम बारे में देखें तो देखो गुजरात को इसमें बेस्ट परफॉर्मर का दर्जा दिया गया है, मतलब गुजरात है वो स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में नंबर 1 पे रहा है। उसके बाद में देखो इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे एक तो रहा बेस्ट परफॉर्मर, दूसरा है टॉप परफॉर्मेंस, तो टॉप परफॉर्मेंस में 3 स्टेट हैं, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा और राजस्थान, 4, तो ये ध्यान में रखना है, बाकी सारे देखो हमें रटने की जरूरत नहीं है। फिर लीडर्स लिस्ट है, तो लीडर्स लिस्ट में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना को रखा गया है। इसके बाद में एस्पायरिंग लिस्ट लीडर्स में रखा गया है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल को, और इसी के बाद में इमर्जिंग स्टेट में रखा गया है आसाम, दिल्ली, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड को, और इसी के साथ लास्ट में एक लिस्ट है जिसका नाम है बिगनर्स लिस्ट, उसमें रखा गया है चंडीगढ़, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो इस तरीके से लिस्ट है वो तैयार की गई है, तो थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है एशियाटिक लोइन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखो हम सबसे पहले तो एशियाटिक लोइन के बारे में डिस्कस है वो कर लेते हैं, इसके बाद में हमें आगे देखते हैं। देखो एशियाटिक लोइन जैसा हमने पहले भी पढ़ा है काफ़ी बार हमें बताएं कि एशियाटिक लोइन केवल और केवल इंडिया के गुजरात में ही पाए जाते हैं, ऑल ओवर में और कहीं भी नहीं, तो यह इंडेमिक है। यह फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है कि एशियाटिक लोइन इंडेमिक है, गुजरात के गिर वाली पहाड़ियों में बेसिकली ये पाए जाते हैं।
एशियाटिक लॉयन है वो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इंडेंजर्ड दर्जे को, इंडेंजर्ड का जो दर्जा है वो इनको प्रोवाइड करवाया गया है। इसके साथ इनकी जो पॉपुलेशन है वो जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात में ही है, इसके अलावा और कहीं भी ये नहीं पाई जाती हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, देखो हम बात करें गवर्नमेंट के द्वारा जो ये एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया गया था, इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले भी काफ़ी सारे प्रावधान किए थे, वो भी स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट ने। जैसे कि हम बात करें 1890 में एशियाटिक लॉयन की पॉपुलेशन थी वो लगभग 50 के आसपास थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको मतलब इनका प्रोटेक्शन करके इनकी संख्या 500 के आसपास तक अभी तक पहुंचाई है। 2015 के डाटा के मुताबिक अभी एशियाटिक लॉयन की संख्या 523 है, जो कि गिर प्रोटेक्शन एरिया नेटवर्क है, मतलब जो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है वहां पे बेसिकली एशियाटिक लॉयन है वो पाए जाते हैं, जो कि एकमात्र इनका इंडेमिक हैबिटेट है, तो यह ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो गिर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, जो कि गुजरात के गिर नेशनल पार्क, गिर सेंचुरी, पैना सेंचुरी और इसी के साथ ही मितियाला सेंचुरी है, उन फॉरेस्ट में बेसिकली पाया जाता है। और हम बात करें एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की, तो देखो यह जो एशियाटिक लॉयन है इसको कंजर्व करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा स्टार्ट है वो किया गया था। इसमें यह ध्यान रखना है कि इसकी जो फंडिंग है वो सेंट्रली सेक्टर नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब 40% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट वो वहन करेगा, और जो डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो फंड है उसके तहत इस पैसे का यूज है वो किया जाएगा। मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 60% पैसा तो सेंट्रल दे देगा, 40% पैसा स्टेट खुद मिलेगा, और उसके बाद एक फंड है जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इस फंड के द्वारा एशियाटिक लॉयन को प्रोटेक्ट है वो किया जाएगा, और इनकी संख्या को इम्प्रूव है वो करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया इनको कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है 80 AGS, तो UPSC ये पूछ सकती है कि रिसेंटली 80 AGS न्यूज में था, किस रिलेटेड है? तो देखो बेसिकली 80 AGS है वो है एडवांस टॉर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, मतलब एक तरीके की गन सिस्टम है जो हमें ध्यान में रखना है, कुछ इस तरीके की है दिखती है, जो कि DRDO के द्वारा डेवलप की गई है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, इंडिजनस मॉडल है। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है कि कितनी कैलिबर की इसमें गन यूज हो रही है, रेंज वगैरह इतना सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मोटा मोटा आइडिया इतना है ठीक है कि हाँ क्या है, जैसे फीचर्स दिए गए हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक ड्राइव है, हाई मोबिलिटी है, क्विक डिप्लोबिलिटी है, तो इस तरीके की ये सब हमें रटने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि भाई 80 AGS है वो है एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। अब ये थी देखो आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।